पहले साहब दोस्त यहीं पे नमाज पढ़ाई जाएगी, नमाज कराएंगे, अजान का टाइम हो जाए तो मेरा दिल जो है कि पहले नमाज अदा कर ली जाए और उसके बाद फिर बाकी नशीस जो है मैं नात पढ़ूंगा और अल्लामा साहब किताब फरमाएंगे, मगरब से पहले खत्म करेंगे प्रोग्राम। जिन दोस्तों का वजू है ठीक है, जिनका नहीं हो जल्दी से वजू करके, ये बीच में गैप है ये क्लियर कर। सबसे पहले मैं कामरान को उनके वाले साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना अच्छा मिलाद शरीफ सुनाने की, और दुआ करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं अल्लाह पाक सब को हुजूर के मिलाद की महफिल मनाने की तौफीक अता करे। टाइम की नज़ाकत को देखते हुए सबसे पहले कुछ अशआर हमद के पढ़ूँगा और उसके बाद एक नात, उसके बाद अल्लामा साहब किताब फरमाएंगे, टाइम भी पास इसी तरह। तो जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिस्मानी तौर पे तो मौजूद हैं, मुझे जहनी तौर पे और दिली तौर पे भी मौजूद चाहिए, क्योंकि आप महफिल में हाज़िर होने का मकसद भी यही है कि उनका जिक्र हो जाए और दिल जो है दिल को कोई रूहानियत महसूस हो महफिल में। सारे मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु
किया, जैसे आप बेजार हो रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर पढ़ूं तो फिर मेरे साथ मिल गया। अल्लाह 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 शान दिखा देता है, दीदाए शोक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तकनीक के गुण गाती है, पता पता तेरी कुदरत का पता देता है, तेरी शान 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 लाएला है, तेरी शान 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 लाएला। ला इलाहा तेरी शान या वादहू, तू ख्यालो तजस्सुस तुही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, हक बाबूजी, हक बाबूजी।